अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। आज हम आप लोगों का सबक हज़रत अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों को आखिर में कुछ सवालात दिए जाएंगे जो आपको ख़ुद हल करना होगा। दोबारा से पढ़ते हैं सबक को। हज़रत अबूबकर सिद्दीक मुसलमानों के पहले खलीफा थे। आप रज़ी अल्लाह ताला बड़ी सादा तबीयत के इंसान थे। आप जब खलीफा हुए तो आपके ज़ाती अखराजात के लिए कौमी ख़जाना से, जिसको बैतुलमाल कहा जाता है, वजीफ़ा मुकर्रर किया जाने लगा। आपने फरमाया, मदीने के आम मज़दूर को मिलने जितनी मजदूरी मिलती है, मेरे लिए भी उतना ही वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया जाए। मज़दूर को मिलने वाली उजरत तो बहुत कम होती है। आप इतनी कम रकम में अपनी ज़रूरत किस तरह पूरी कर सकेंगे? एक साथी ने दरियाफ्त किया। आपने जवाब दिया, मेरा गुजारा भी उस तरह से हो जाएगा जिस तरह एक मज़दूर का होता है, और अगर ये रकम मेरे अखराजात के लिए कम पड़ी तो मैं मज़दूर को मिलने वाली उजरत में भी इजाफ़ा कर दूँगा। तो आज जो आप लोगों को मशक करनी है वो ये है कि आप लोगों को अल्फाज दिए गए हैं, उनके मायने भी बता दिए गए हैं। इन अल्फाज को आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, यानी बैतुलमाल को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। वजीफ़ा, जिसका मतलब महाना ख़र्चा है, वो आपने अपने जुमले में इस्तेमाल करना है। अखराजात, जिसका मतलब वो रकम जो खर्च की जाए, उसको अपने जुमले में इस्तेमाल करना है। उजरत को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। इजाफ़ा को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है और सिद्दीक को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने अपनी कॉपी में इन दो सवालात का जवाब भी लिखना है। सवाल नंबर अव्वल, मुसलमानों के पहले खलीफा कौन थे? आपने इस सबक को अगर दोबारा पढ़ना है तो आप किताब से पढ़ सकते हैं और उसमें से जवाब ढूंढ के आपने अपनी कॉपी में लिखना है। सवाल नंबर दो, हज़रत अबूबकर सिद्दीक ने अपने लिए कितना वजीफ़ा पसंद किया? यानी आपने सबक में से पढ़ना है और देखना है कि हज़रत अबूबकर सिद्दीक ने अपने लिए वजीफ़ा कितना मुकर्रर किया था। शुक्रिया।